आज मैं सिखाऊंगा क्लासिफाइड वोकैबुलरी। ये ज़्यादातर काम आता है आपका स्पोकन इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में बातें करने के लिए तो ज़्यादातर काम आता है। इसी मीनिंग वर्ड के बीच ही आपका सारा मीनिंग है, जो कि अक्सर हमेशा स्पोकन इंग्लिश में ही काम आता है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन ये अभी कंटेंट मैंने बनाया है और ये इसी तरह से आपको पढ़ना है आगे, तो पहले मैं इसके हिंट्स बता दूँ क्या क्या मैंने रेडी किया है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग के बारे में जानना है। उसके बाद एलिमेंट्स इन बॉडी कंडीशन, रोग के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, रिलेशन, हाउसहोल्ड आर्टिकल, ऑर्नामेंट एंड जेवर, सीरियल एंड वेजिटेबल्स, स्पाइस, मिनरल, ट्रीज एंड देयर पार्ट्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर में बिल्डिंग एंड देयर पार्ट्स, टूल्स, वॉरफेयर, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, बिजनेस, स्टेशनरी, एनिमल्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट एंड कंपर्स। ये मीनिंग वर्ड ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में कहती है, इसी के अंदर की चीज ही आप यदि सीख पाएंगे तो आशा करता हूँ कि 50% तक आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये आप करने के बाद बहुत कुछ बातें जो है आप इंग्लिश में छोटी छोटी वर्डें इंग्लिश ही बोलने से कर लेंगे और इसके साथ साथ हिंदी भी। तो ये मैं वो हिंट्स मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था का क्लासिफाइड वोकैबुलरी का। नेक्स्ट पार्ट में आपका 1 नंबर पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में बताएंगे, जो मीनिंग वर्ड है। कम से कम आपका इसमें मीनिंग वर्ड 1 to 30 या 40 मीनिंग वर्ड हम देंगे, उसको आपको याद करना है, लर्न करना है। तब तक के लिए यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप